आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, और हम इसको व्रत में, स्पेशली व्रत में खा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बनी है और अलग अलग बनी हुई है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रकृति एंड वेलकम टू प्रकृति रसोई। तो देखते हैं कैसे बनती है खिली खिली साबूदाना खिचड़ी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कप साबूदाना लिया है, और ये छोटा वाला साबूदाना है। हम साबूदाने को अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 टाइम इसको वॉश किया है, और जो इसका स्टार्च है वो हम निकाल देंगे, जिससे ये काफ़ी खिला खिला और अच्छा बनेगा। अब हमारा साबूदाना अच्छे से वॉश हो गया है, और अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे, और इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे, और इसे लेड या प्लेट से कवर करके 4 to 5 आवर्स के लिए रख देंगे। साबूदाना को हमें कम से कम 2 बार अच्छे से वॉश करना है, जिससे उसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। 4 to 5 आवर्स हो गए हैं, तो अब हम अपनी खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 to 5 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ टमाटर, 2 बॉयल आलू और धनिया, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और अब हम यहाँ पर जो हमने साबूदाना अपना सोक के लिए डाला था, वो अच्छे से सोक हो गया है, और अब इसमें पानी भी नहीं है, और ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है, और हम मैं इसको मैश कर रही हूँ, तो अच्छे से मैश भी हो रहा है। अब एक कढ़ाई लेंगे, और इसमें 1/2 कप पीनट डालेंगे। इनको हम रोस्ट कर लेंगे, इनको हम बिना ऑयल और घी के रोस्ट करेंगे, तो हम इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमारे पीनट्स ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। यहाँ पर मैंने घी का यूज़ किया, क्योंकि इसको मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। और अब हम डालेंगे यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 पिंच हींग, आप चाहें तो यहाँ पर करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, और जो मैंने ग्रीन चिली चॉप करके रखी थी उनको डाल देंगे, और इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैंने चॉप किए हुए थे उनको ऐड कर देंगे, और इनको मिक्स कर देंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, और अब जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हम इसमें 2 बॉयल किए हुए जो हमने आलू रखे थे हम उनको ऐड कर देंगे, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है, और आलू भी मैंने बॉयल किए हुए लिए हैं। अब हम इसको लिड से कवर कर देंगे, और इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं, और हमारे आलू और टमाटर भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर सेंधा नमक ऐड करूँगी, जो व्रत में यूज करते हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सॉल्ट मैंने आलू में इसलिए मिक्स किया है, ताकि जब साबूदाना डालेंगे तो वो साबूदाना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर अपना साबूदाना ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको साबूदाना अभी से ही काफ़ी खेला खेला और अलग अलग लग रहा होगा। जब भी हम साबूदाना खिचड़ी बनाएं, तब हम साबूदाना को अच्छे से वॉश कर लें, 2 या 3 पानी से उसे वॉश कर दें, उसके बाद उसे सोक करने के लिए रखें। जब हम उसको वॉश कर देते हैं, तो जो उसका स्टार्च होता है वो निकल जाता है, जो वाइट कलर का स्टार्च निकलता है पानी में वो निकल जाता है, और जिससे हमारा साबूदाना अलग अलग और बहुत ही खिला खिला बनता है। ये देखिए, आप काफ़ी अच्छे से बनाए और काफ़ी अलग अलग बनाए। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, और थोड़ा सा खट्टापन आता है। इसको ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अपने जो पीनट्स जो हमने रोस्ट करे थे उनको डाल देंगे। इससे क्या है कि हम बाद में पीनट इसलिए डालेंगे, ताकि जो पीनट्स का क्रंच है वो बना रहे, और ये सॉफ्ट भी नहीं होंगे अगर हम इनको बाद में डालेंगे। अगर इनको पहले ऐड कर देंगे, तो जो क्रंच होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए हम पीनट्स को बाद में ऐड करेंगे। तो अभी हमारी जो खिचड़ी है वो बनके रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन है। और अब हम इसमें जो हमने धनिया पत्ती चॉप की थी उसको डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और ये हमारी साबूदाना खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है और ये बहुत ही टेस्टी भी बनी है। और इधर मैं प्लेट में आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ही अलग अलग बनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही खिली खिली और अच्छी साबूदाना खिचड़ी बनी है। तो हमारी साबूदाना खिचड़ी बनकर रेडी है और अब आप इसे अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये साबूदाना की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। घर में रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।